नमस्कार, गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन माई ब्यूटिफुल हैंडलूम फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सबके घर में खूब मंगलमय खुशियां और प्रॉस्पेरिटी लेके आए। और इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ गणेश जी के नाम से आज हमारी अनदर वीडियो, जो कि पार्ट टू रहेगी हमारी कलेक्शन की, जिसमें मैं आप लोगों को, मैंने पहली वीडियो में दिखाया था आपको, वी वर शोकेसिंग द प्योर कोटा डोरिया सूट्स, जिसमें दुपट्टा एंड शर्ट जो थी वो कोटा की थी एंड बॉटम जो थी वो प्योर कॉटन की थी। थ्री पीस सूट्स हम लोग दिखा रहे थे, 1890 वॉज द प्राइस प्लस 100 रुपीज शिपिंग, जिसमें आप दो सूट इजिली बुक कर सकते थे। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए कि कोरियर रिलेटेड, कि आप सबने जो हम लोग, अगर आपको ट्रैकिंग नहीं मिलती है तो प्लीज़ हैव पेशेंस, थोड़ा सा वेट कीजिए, और जब ट्रैकिंग मिल जाती है तो आप उसको उसकी ऑफिशियल साइट से ही उसको ट्रैक करें, किसी भी रैंडम नॉन ऑफिशियल जगह से उसको ट्रैक मत कीजिए और किसी भी कोरियर कंपनी को आप कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप गूगल से नंबर सर्च करते हैं और आप किसी फ्रॉड उसके आपके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेक नंबर्स होते हैं गूगल पे, तो प्लीज़ उन चीज़ों से बचें। एक और चीज़, कभी भी कोई भी कोरियर कंपनी आप लोगों से कोई कुछ ऐसा बोलती है कि आपका पीस ब्लॉक हो गया है या आपका पीस रिटर्न जा रहा है या आपका कुछ भी इस तरीके से आपको डराती है या आपसे कोई भी रुपए की, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की डिमांड करती है, तो वो समझिए आपका किसी कोरियर कंपनी से कोई कॉल नहीं है। और कोरियर कंपनी अगर आपको कॉल करती है तो सिर्फ वो आपका एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल करती है, अदरवाइज वो कभी भी आपको कोरियर बॉय कॉल नहीं करता। तो इस बात का आपने स्पेशली ध्यान रखना है, किसी भी फ्रॉड के हाथ उसमें चक्कर में नहीं आना है, किसी को कोई भी आपने पिन कोड, अपना OTP या कोई भी ट्रांजेक्शन 1 रुपए की भी नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी इशू होता है या कोई कॉल आती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, लेकिन आपने खुद से किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो उन चीज़ों से आप प्लीज़ बचें, सिर्फ ट्रैक कीजिए, नो कॉन्टैक्टिंग। सूट नंबर 21 हम पार्ट वन में दिखा चुके हैं आप लोगों को, 21 से हम शुरू करेंगे। इस तरीके से जाएगा ग्रे, जो स्टील ग्रे काइंड ऑफ कलर होता है उस तरीके का ये कलर रहेगा, प्योर कोटा का रहेगा हमारा शर्ट और ये जाएगा इसका सैंडविच। तो इस तरीके के फ्रॉड या कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग में जो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज बी अ स्मार्ट बायर, उन चीजों का हमेशा आप लोग ध्यान रखें, किसी के उसमें झांसे में आप लोगों को नहीं आना है। ना कभी हम आपको इस तरीके से कॉल करेंगे, ना ही कोई कोरियर कंपनी आपको कॉल करेगी, कोई भी आपको कॉल नहीं करता है, ठीक है। और ये रहेगा इसका लुक ऑफ दुपट्टा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो यू जस्ट कॉन्टेक्ट विद अस, आप मैसेज कीजिए, प्लीज कॉल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज डोंट ट्राई टू मेक द कॉल्स। यस, आप लोगों को बुरा लगता होगा कि कॉल्स पिक नहीं करते हैं या कॉल्स का, लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बड़ी तो हमारा हम लोग काम, टीम हमारी नहीं होती है कि इंडिविजुअल हर चीज के लिए अलग से अपॉइंट करें, क्योंकि आई एम डूइंग इट ऑन माई पर्सनल बेसिस, शौकीनी तौर पे, एंड तो इतनी बड़ी टीम नहीं है कि कॉलिंग के लिए हो, मैसेजेस के लिए हो, पेमेंट्स के लिए हो, तो प्लीज उन चीजों में थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कीजिए। सूट नंबर 22 ये रहेगा बहुत ही प्यारी इसकी ब्लॉकिंग, ठीक है। अननेसेसरी मैसेजिंग से बचिए, कॉल प्लीज अवॉइड कॉल जब तक बहुत नेसेसरी ना हो। मैसेजेस आपके हर किसी का रिप्लाई जाता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हर एक सिंगल मैसेज का रिप्लाई हम लोग करते हैं। लेट नाइट वाले या अर्ली मॉर्निंग वाले मैसेजेस को दिन में ही लिया जाता है, लेट नाइट रिप्लाइंग आपकी नहीं होती है। ये रहेगा हमारा सैल्वेज, ये रहेगा बीच में इस तरीके से मोनोक्रोम लुक के साथ में, ये रहेगा इसका पल्लू, बहुत ऑसम कॉम्बिनेशन, बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है, न्यू कलर कॉम्बिनेशन है, बल्कि सूट नंबर 22 का 1890 प्लस 100 रुपीज शिपिंग ही रहेगा इसका प्राइस। सूट नंबर 23 लाइट ऑरेंज, कैंडी ऑरेंज जो रहता है ना,
वो वाला ये कलर है बहुत रिफ्रेशिंग, मतलब कलर में ही एक रिफ्रेशिंग पन है अपना। सूट नंबर 23 ये देखिए, इस तरीके से बाटिक का ये पीस जाएंगे। इस बार बाटिक के जितने भी पीस बने हैं ना, दे आर वाओ पीसेस। ये रहेगा इसका वाइन शेड का बॉटम इस तरीके से, और ये रहेगा इसका लुक ऑफ दुपट्टा, वेरी वेरी सूदिंग रिफ्रेशिंग शेड। सूट नंबर 23। जब हमारे सूट्स कई बार ज़्यादा हमारे डिज़ाइंस होते हैं, सोचिए मैं आपको अराउंड 40 डिज़ाइंस दिखाने वाली हूँ, तो बहुत एफर्ट्स लगते हैं, तो इसलिए हमें, मैं दो पार्ट में आजकल मुझे लगता है कि आई शुड पुट टू वीडियोस। फिर भी आप अपने सुझाव दीजिएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दे आर यू आर ऑलवेज वेलकम, है ना। तो आप लोग बताइएगा ताकि आपके सजेशंस आपके अकॉर्डिंग भी हम काम कर सके। मुझे लगा कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, वी शुड मेक इट शॉर्ट वे, तो इसलिए आपको दो पार्ट्स में दिखा रहे हैं। ये रहेगा इसका बॉटम, प्योर कॉटन का बॉटम जाएगा। ये ऐसे पीसीज हैं, घर में आराम से इनको वॉश कीजिए, नो नीड टू गिव ड्राई क्लीनिंग, और इनमें लाइनिंग तो जाएगी ही शर्ट में, और घर में वॉश करेंगे आराम से। रफ एंड टफ यूज के ये पीसीज होते हैं, हल्का सा लाइट स्टिच, लूज स्टिच करवाना है, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग में नहीं बनवाना है। ये रहेगा इसका ब्लॉक्स, देखिए अ परफेक्ट ब्लॉकिंग, दिस इज द लुक ऑफ द सूट, ठीक है, ये देखिए वेरी फ्रेश आर्टिकल। नेक्स्ट जाएगा हमारा सूट नंबर 25। सूट नंबर 25, दिस इज द लुक, ब्लैक कलर की एंड बेज कलर की इसके साथ ब्लॉक जाएंगी, ब्लॉकिंग देख लीजिए, हैव अ क्लोजर लुक, दिस इज द लुक ऑफ द शर्ट। ये जाएगा इसका ब्लू कलर के साथ सैल्वेज, बेज के ऊपर बहुत प्यारी फ्लोरल वर्टिकल पैटर्न में ब्लॉक्स जाएंगे आपके इस तरीके से। जो सैल्वेज होता है वो साइडवेज दिया होता है, ठीक है, वो आपका विड्थ में नहीं होता है, वो साइड्स में होता है, तो वो कटिंग करके आप लगवा सकते हैं सैल्वेजेस को, जहां मर्जी नेकलाइन में प्लेस करवाना हो, स्लीव्स में देना हो, नीचे आंचल में देना हो, जहां भी आपको देना है आपको वो कट करा के लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ वाइज हम देते हैं ताकि वो आपका अच्छा खासा बॉर्डर निकले, विड्थ वाइज तो फिर वो कम पड़ जाएगा। ये रहेगा इसका लुक। सूट नंबर 26, सूट नंबर 26 अगेन, जैसे सी ग्रीन काइंड ऑफ शी ब्लूइश ग्रीनिश जो कलर होता है, इस तरीके का इसका कलर जाएगा, ग्रीन एंड ब्लू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये देखिए, ये इसका ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन जाएगा, दिस इज द एग्जैक्ट कलर कॉम्बिनेशन। ये देखिए पूरी वन साइड में ये इसका सेल्वेज गिवन है, है ना, मैंने जैसे फोर लेयर्स पकड़ी हुई तो पूरी फोर लेयर पे ये सेल्वेज जाएगा, तो आराम से इसको कैसे भी लगवाइए। ये रहेगी इसकी बॉटम, बहुत प्यारी खूबसूरत सी बॉटम, और मुगली बूटा के साथ इसका जाएगा दुपट्टा, ये देखिए मुगली बिग बूटाज के साथ में इसका लुक ऑफ दुपट्टा रहेगा। दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द सूट नंबर 26, 1890 प्लस 100 रुपीज शिपिंग इज द प्राइस। सूट नंबर 27, सूट नंबर 27 डीप ग्रीन कलर रहेगा। ये रहेगा इसका बेज, हाईलाइट लगते हैं डार्क बेस पे, जब लाइट कलर की ब्लॉकिंग होती है तो निखर के खिल के आती हैं। ये रहेगी इसकी बॉटम, और ये जाएगा इसका लुक ऑफ दुपट्टा, ये देखिए दिस इज द लुक ऑफ दुपट्टा, मस्टर्ड हाईलाइट के साथ में ये रहेगा लुक ऑफ दुपट्टा। सूट नंबर 27, सूट नंबर 28, सूट नंबर 28, ठीक है, नियोन बेस है, और आपको पता है नेचुरल में भी ये कलर बहुत सूदिंग बनता है, एंड बेबी पिंक और वाइट के साथ में इसकी ब्लॉकिंग की हुई है। ये रहेगा इसका सैल्वेज, ये जाएगी इसकी बॉटम, ये देखिए बहुत प्यारी खूबसूरत सी कॉम्बिनेशन के साथ में ये रहेगा, बेबी पिंक एंड नियोन शेड का, नियोन ग्रीनी शेड का, तो अपने आप में बहुत हिट कॉम्बिनेशंस में से एक है। ड्यूअल उस पैटर्न के साथ में इसका लुक ऑफ दुपट्टा जाएगा, ग्रीन वर्सेस पिंक, ये देखिए दिस इज द लुक। नेक्स्ट रहेगा हमारा सूट नंबर 29, सूट नंबर 29,
एंड ग्रेश ब्लू शेड है ये, ठीक है, ग्रे का जो शेड आता है ब्लू में वो वाला ये लुक जाएगा। एंड क्लोजली देख लीजिए, ये एग्जैक्ट शेड रहेगा, दिस इज द एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। पीचीज काइंड ऑफ इसमें ब्लॉकिंग की गई है, बेहतरीन बेहतरीन कॉम्बिनेशन, ये कलर कॉम्बिनेशन है जो बॉटम में है, ठीक है। कोटा पे आपको थोड़ा सा अलग लुक आता है, कॉटन पे अलग लुक आता है, फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपकी ब्लॉक के जो कलर्स हैं उनकी ग्रेस एकदम बदल जाती है, ठीक है। तो मैं लिनन पे भी दिखा चुकी हूँ, मैं कोटा पे भी दिखा चुकी हूँ, और कॉटन पे तो हमारा रेगुलर रहता ही है, तो 3-4 फैब्रिक्स पे, महेश्वरी पे भी मैं दिखा चुकी हूँ। सूट नंबर थर्टी, तो काफ़ी फैब्रिक्स पे आप हमारी हैंड ब्लॉकिंग देखते हैं, और हर फैब्रिक पे आप देखेंगे उस कलर का इम्पैक्ट बिल्कुल अलग आएगा। ये जाएगी इसकी बॉटम, दिस इज द लुक ऑफ बॉटम, प्योर कॉटन की बॉटम रहेगी, कैसे भी रफ एंड टफ बॉटम में आप पैंट बनवाइए, सलवार बनवाइए, प्लाजोज बनवाइए, वट एवर यू लाइक, स्ट्रेट पैंट्स बनवाइए, आजकल तो स्ट्रेट पैंट्स ज़्यादा सुंदर लगती हैं, ये रहेगा इसका लुक। चूड़ीदार बनवानी है, चूड़ीदार बनवाइए, सूट नंबर 30 ब्लू शेड के साथ में, सूट नंबर 31 सनशाइन येलो कलर, वेरी वेरी स्मार्ट, एंड येलो सनशाइन येलो एंड पिंक का तो वैसे ही बहुत ग्रेसफुल कॉम्बिनेशन होता है, हर किसी पे जचेगा, अच्छा लगेगा। ये रहेगी इसकी ब्लॉकिंग, ये रहेगा इसका सैलवेज, दिस इज गोइंग द बॉटम, स्टार काइंड ऑफ पेटल्स का इस पे ब्लॉकिंग हो रखी है, और देखिए कितना प्यारा इसका दुपट्टा है, वाइट, ठीक है ना, ये देखिए, दिस इज द लुक ऑफ द सूट। मतलब ये ऐसे कलेक्शंस में से एक कलेक्शन है जो रॉयल कलेक्शंस में आती है, कोटा के पीसेस तो वैसे ही रॉयल पीसेस होते हैं, सिल्वर्स के साथ में या पर्ल के साथ में डाले हुए बहुत खिल के आएंगे। नेक्स्ट पीच के साथ इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, ऐसा मैंने शायद दिखाया भी है, अभी तो दिखाया था शायद, कोई बात नहीं, ड्यूअल नंबरिंग हो गई है, कोई बात नहीं, आप अलग नंबर से ही इसको बुक कर लीजिएगा। सूट नंबर 32 मल्टीपल है ये, सूट नंबर 32, ठीक है, इसकी नंबरिंग हो गई है, कोई बात नहीं, सूट नंबर 32 ये मैंने अभी एक दो सूट पहले भी दिखाया था, वही शेड है, ग्रेइश ब्लू जो शेड मैं आपको बोल रही थी, दिस इज द लुक, सूट नंबर 32, सूट नंबर 33, सूट नंबर 33 स्क्वेयर ब्लॉकिंग में जाएगा, रस्ट का कॉम्बिनेशन, काफ़ी मॉडर्न ब्लॉकिंग्स में ये आ जाता है कॉन्सेप्ट कि फ्लोरल नहीं है, दिस इज ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न काइंड ऑफ, महेश्वरी में मैं ये दिखाती हूँ आप लोगों को, अगर आपको याद होगा तो महेश्वरी में ये ब्लॉक मैंने काफ़ी दिखाया है। ये जाएगी इसकी बॉटम, और ये रहेगा इसका लुक ऑफ दुपट्टा, ये देखिए, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इस लाइन के लोगों के लिए दीज आर द ओसम पीस, वैसे तो कोई भी पहन सकता है, नो बायस्ड यहाँ पे, लेकिन जस्ट दैट कि द प्रोफेशन की एक अपनी नीड होती है। सूट नंबर 34, सूट नंबर 34, तो डोंट बी ऑफेंसिव, आई एम जस्ट, ये रहेगा इसका लुक, ये देखिए बेबी पिंक के साथ में, बाबी पिंक जो कलर होता है ना वो वाला, ये रहेगा सैलवेज 34 कलर, एंड देखिए इसका बॉटम उससे भी सुंदर है, प्योर कॉटन पे बहुत प्यारा लुक जाएगा इसके बॉटम का, और ये रहेगा इसका लुक ऑफ दुपट्टा, ये देखिए जो बॉटम की ब्लॉक्स होती हैं वो हमारे दुपट्टे पे जाती हैं, इसलिए पीस बहुत खूबसूरत लगते हैं, और जो पल्लू होते हैं वो मल्टी कलर्स में होते हैं ताकि हाईलाइट हो, जब आपने बोथ साइड दुपट्टा कैरी किया होता है या जैसे भी कैरी किया होता है तो वो एक लुक देता है। सूट नंबर 35, और दुपट्टे में आपको पता है किसी भी सूट की जान उसका दुपट्टा होता है ना, कैसा भी सिंपल से सिंपल सूट हो उसका दुपट्टा खूबसूरत हो तो एकदम सूट में अलग जान डल जाती है। ब्लैक के ऊपर रस्ट की फ्लोरल बेस में इस तरीके से ब्लॉकिंग, एंड ये रहेगा इसका बॉटम, हर वीडियो में हमारे 2-4 सूट गिरते ही गिरते हैं मेरे हाथ से, ये रहेगा इसका दुपट्टा, देखिए पूरा हैवी जाल वाला इसका लुक रहेगा दुपट्टे का, ये लुक रहेगा दुपट्टा।
ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा सूट नंबर 36। सूट नंबर 36 वैक्स बाटिक का पीस जाएगा हमारा सूट नंबर 36 का। वाइन शेड है, वाइन पे ऑरेंज, और इसका बहुत प्यारा ऐसे वर्टिकली बनेगा ये आपको। मैं हॉरिजॉन्टली दिखा रही हूँ बट ये वर्टिकली स्टिच होगा, बहुत खूबसूरत पीस बनेगा आपका। ये रहेगा लुक, लेकिन सिंगल ही पीस है, डोंट गो फॉर द मल्टीपल्स, पूछिए भी मत, एक ही पीस है, किसी एक को ही मिलेगा, ठीक है। ये रहेगा इसका लुक ऑफ दुपट्टा, ये देखिए, ये रहेगा लुक ऑफ दुपट्टा। नेक्स्ट अगेन, अभी मैं दोनों तीनों वैक्स बाटिक के दिखाऊंगी। सूट नंबर 37 ब्लैक के ऊपर मस्टर्ड, यूनिक कॉम्बिनेशन रहेगा, हटके वाला है बाटिक का लुक। ये रहेगा इसका क्लोजर व्यू में, आप एकदम ऐसा ही आपके हाथ में आएगा, ठीक है। अच्छा, एक हमसे जो पिक्स के लिए मांगते हैं, तो हमारे पास प्लीज़ पिक्स नहीं होती हैं, तो हम आप प्लीज़ वीडियो में ही, अगर आपको कोई डाउट रहता है, वैसे तो हम बहुत ध्यान से आपको तरीके से आराम से पेशेंसली दिखाते हैं, बट स्टिल अगर आपको इशू आता है तो आपको वापस से वीडियो ही देखनी पड़ेगी, हमारे पास पिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। और पिक्स अगर हम, चलो सूट को रेंज लेके पिक अगर देते भी हैं तो कलर डिफरेंट आ जाता है, आपको पता है स्क्रीन ऑफ कलर, वीडियो में आपका ओरिजिनल दिख रहा है जैसा कि पीस है, लेकिन मैं इसका अगर पिक निकालूंगी तो ये कलर आपको चेंज दिखाई देगा, तो वो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सूट नंबर 38, सूट नंबर 38 अगेन वैक्स बाटिक का पीस रहेगा, मल्टी कलर में जाएगा, एंड इस तरीके से इसके लुक रहेंगे। ये मैंने कॉटन पे ये पीस दिखाया हुआ है आप सबको, अगर याद होगा, और टैंगी ऑरेंज की रहेगी इसकी ब्लॉकिंग्स, एंड दिस इज द लुक ऑफ दुपट्टा। सूट नंबर 38, ये मैंने अभी जो जितने भी इस वीडियो में पीस दिखाए हैं, दे ऑल आर सिंगल सिंगल, सिर्फ एक पीस में डबल आया था, उसकी नंबरिंग अलग हो रखी है, क्योंकि उसी में भी मल्टीपल नहीं है। तो इस वीडियो में जितने भी पीस मैंने दिखाए, दे ऑल आर सिंगल 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 पीस ही हैं, तो 38 नंबर, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, 21 से लेके 38 तक मैंने इसमें आपको 17 सूट्स दिखाए, 17 में से 6 एक सूट की डबल नंबरिंग हो रखी थी, 32 नंबर पे था, एक और नंबर पे था, तो वो दो सूट हैं, बाकी सभी सिंगल सिंगल पीस ही हैं। तो प्लीज़ कोऑपरेट इन दैट, मैं हर बार आप लोगों से बोलती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा हमें आपका साथ चाहिए होता है, तो वो बात समझिए। और पार्सल आपका सेकेंड या थर्ड डे मूव हो जाता है, ये भी मैं आपको बोल रही हूँ। ट्रैकिंग अगर आपको नहीं मिलती है, दैट डजेंट मीन कि आपका पार्सल नहीं निकला है, आपका पार्सल निकल चुका होता है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। गणेश जी जिन जिन्होंने अपने घर पे लेके आए हैं, बहुत बहुत आप लोगों का आभार, और इन्जॉय कीजिए इस टाइम को, और जो वाइब है, जो पॉजिटिविटी है, जो ओरा, जो एनर्जी जो है, उसको फील कीजिए, जाइए पंडाल्स में घूम के आइए। और मैं तो चंडीगढ़ में रहती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी काफ़ी जगह हम लोग करते हैं, तो आप सब भी इन्जॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेयर हैंडलूम, सपोर्ट हैंडलूम, प्रमोट हैंडलूम के साथ में, नमस्कार।